हम अपने चारों ओर देखते हैं तो तरह तरह के घर, तरह तरह की इमारतें, छोटी बड़ी, एक मंजिल की या बहुत सारी मंजिलों वाली इमारतें हमें दिखाई देती हैं। आखिर कैसे बनते हैं ये घर, ये बड़े बड़े भवन? जहां कहीं भवन निर्माण का काम होता है, हमने बहुत से लोगों को काम में लगे रहते देखा है। सब के सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं और हर काम का एक विशेष कौशल होता है। सबके सहयोग से ही एक अच्छी इमारत बनकर तैयार होती है। आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे स्थान पर जहां एक बहुमंजिली इमारत बन रही है। हम उसके निर्माण का पूरा काम देखेंगे। सबसे पहले ये तय किया जाता है कि कितने लोगों के लिए भवन बनाना है और किस लिए भवन बनाया जाएगा, यानी ये भवन रहने के लिए होगा या कार्यालय आदि के लिए। स्थान के चुनाव के समय यह देखना जरूरी है कि वहां पानी, सड़क, बिजली, पानी की निकासी आदि का प्रबंध है या नहीं। फिर होती है भूमि की जांच। भूमि कंकरीली, पथरीली है या बलुई है या सामान्य मिट्टी वाली। भूमि की भार वहन क्षमता पर निर्भर होगा कि वहां कितनी बड़ी इमारत बन सकती है, कितनी मंजिलें हो सकती हैं। इसके साथ ही भूमि के प्रकार के अनुसार नींव की चौड़ाई, गहराई और नींव के लिए इस्तेमाल होने वाली सामग्री भी तय की जाती है। इधर आर्किटेक्ट या वास्तुविद भवन का नक्शा और मॉडल तैयार करने में जुट जाते हैं। पूरी योजना पहले से ही बना ली जाती है। भवन कैसा लगेगा, सीढ़ियां कहां होंगी, कहां कमरे, रसोई घर और स्नान घर होंगे, इसी तरह पानी की निकासी का प्रबंध कहां से होगा, यह सब कुछ कागज पर भवन के नक्शे के रूप में तैयार किया जाता है। भवन के नक्शे और नमूने में पार्क, बच्चों के खेलने की जगह, वाहन रखने का स्थान, यह सब पहले से ही तय कर लिया जाता है। सिविल इंजीनियर निर्माण की पूरी पूरी योजना बनाते हैं, जैसे कितनी सामग्री लगेगी, सीमेंट, बालू, लोहा, ईंटें वगैरह कितने इस्तेमाल होंगे, इसके अलावा कौन कौन से उपकरण इस्तेमाल होंगे। कितने लोग चाहिए होंगे, किस प्रकार तय किए गए समय पर काम पूरा होगा, यानी एक पूरा का पूरा टाइम टेबल तैयार होता है। नमूने के अनुसार भूमि पर चूने से फिर नक्शा बनाया जाता है। अब शुरू होती है नींव की खुदाई। निश्चित गहराई और चौड़ाई में नींव की खुदाई निर्भर करती है इमारत की मंजिलों पर और भूमि के प्रकार पर। बहुत से श्रमिकों और उपकरणों की सहायता से इस काम को पूरा किया जाता है। नींव को भरने के लिए सीमेंट, मिट्टी, मोटी बालू आदि का इस्तेमाल किया जाता है। सीमेंट कंक्रीट का मिश्रण मशीन में अच्छी तरह मिलाकर डाला जाता है।
दुर्मुट से कुटाई कर धरातल को समतल बना लिया जाता है। नींव पक्की करने के लिए लगभग 7 दिनों तक पानी से तराई की जाती है। नींव में दीमक रोधी दवा भी डाल दी जाती है। सामान्यतः भवन की जमीन, जिसे कुर्सी तल भी कहते हैं, 45 सेंटीमीटर तक ऊंची रखनी चाहिए, जिससे कि बरसात का पानी वगैरह घर के अंदर न आ सके। भवन को नमी और सीलन से बचाने के लिए कुर्सी तल पर सीमेंट और मोटे बालू के मिश्रण में डीपीसी पाउडर आदि मिलाकर लगाते हैं, फिर उस पर कोल तार की पुताई करते हैं। उसके ऊपर काले रंग का पॉलिथिन बिछा देते हैं, जिससे सीलन दीवारों पर नहीं आ पाती। इसके बाद आमतौर पर नक्शे के अनुसार दीवार की चिनाई का काम शुरू हो जाता है। लेकिन यहां एक बहुमंजिली इमारत बन रही है, इसलिए यहां पहले सीमेंट के खंभे, जिन्हें कॉलम्स कहते हैं, वो बनाए जाते हैं। कॉलम्स बनाने के लिए लोहे की छड़ें, जिन्हें सरिया कहा जाता है, उन्हें काटा जाता है और फिर उन्हें खंभों का आकार दिया जाता है। इस आकार में सीमेंट और मिट्टी का मिश्रण भरकर खंभे तैयार होते हैं। खंभे तैयार करने के लिए वाइब्रेटर आदि उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। खंभे यानी कॉलम्स तैयार होने के बाद मंजिल की छत डाली जाती है। छत से पहले सेंटरिंग होती है, यानी टेक बंदी। टेक बंदी लकड़ी की हो सकती है या फिर लोहे की चादर या कच्ची मिट्टी और गारे की भी। एक बंदी के बाद छत डाली जाती है। यहां छत सीमेंट, मोटे बालू व पत्थर की मिट्टी के मिश्रण से तैयार की जा रही है। छत की ढलाई के बाद उसे कुछ समय तक पक्का होने के लिए छोड़ देते हैं। पानी की तराई होती रहती है। इस बीच दूसरे काम जारी रहते हैं। छत तैयार होने पर ईंट की चिनाई शुरू हो जाती है। राजमिस्त्री चिनाई के कार्य में लग जाते हैं। दीवार की चिनाई के बाद उसकी अच्छी तरह से तराई की जाती है, ताकि दीवारें पक्की हो जाएं।
दीवार पर सीमेंट की प्लास्टरिंग करने से पहले बिजली मिस्त्री बिजली की तारें और नलसाज पानी की पाइप वगैरह लगाते हैं ताकि वो दिखाई ना दें। रसोई घर व स्नान घर आदि में पानी की व्यवस्था अभी ही करनी होती है। नक्शे के अनुसार दरवाजों और खिड़कियों की जगह को छोड़कर दीवारें तैयार की जाती हैं। दूसरी ओर बढ़ई और अन्य कारीगर दरवाजों और खिड़कियों को तैयार करने में लग जाते हैं। दरवाजों और खिड़कियों की चौखट साथ साथ तैयार करना बहुत जरूरी है। सीमेंट और मोटे बालू के मिश्रण से 10 से 12 मिलीमीटर मोटा प्लास्टर दीवारों पर किया जाता है। राजमिस्त्री बढ़ई नलसाजी का काम करने वाले और बिजली का काम करने वाले सभी के सभी अपने अपने कामों में लगातार लगे रहते हैं। कमरे तैयार होने के बाद फर्श बनाने की बारी आती है। फर्श सादे सीमेंट के, मोज़ेक के, संगमरमर के या फिर ग्रेनाइट के पत्थर के हो सकते हैं। शीशे की लकीरें डालकर मनचाहा फर्श तैयार किया जा सकता है। फिर इसकी घिसाई कर इसे चिकना किया जाता है। अब बारी है बाहरी फिटिंग्स की। अब दीवारों व खिड़कियों पर रंग करते हैं। रंग सुंदरता के साथ साथ दीवारों और खिड़की व दरवाजों की लकड़ी को सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। रंगसाज पूरे भवन को सुंदरता प्रदान करते हैं। कितने लोगों की कुशलता, श्रम और परिश्रम से तैयार होते हैं भवन। हर कौशल एक दूसरे का पूरक है। भवन निर्माण की इस प्रक्रिया में कई तरह का कौशल इस्तेमाल होता है। सभी के मिले जुले प्रयास से ही तैयार होते हैं यह खूबसूरत भवन।